मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसान की आय दुगनी करने के नित नए प्रयास कर रही है। ग्रामीण अंचल में रोजगार के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध हों, ऐसे नित नए प्रयास जारी हैं। होशंगाबाद की पहचान बन चुके रेशम के कपड़ों के ब्रांड प्राकृत का उत्पादन शिवराज सरकार के प्रयास से फिर शुरू हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत रेशम की खेती करने वाले 700 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। किसानों द्वारा तैयार कुकून टसर रेशम धागे से प्राकृत ब्रांड के कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश का प्रमुख रेशम उत्पादक जिला है। किसानों द्वारा उत्पादित कुकून से मालाखेड़ी स्थित धागाकरण इकाई में 45 महिलाओं द्वारा रेशम का धागा और बुनाई के लिए ताना बाना बनाने का कार्य किया जाता है। जिला कलेक्टर के प्रयासों से रोजगार के अधिक से अधिक साधन पैदा करने के अंतर्गत रेशम उत्पादन को प्रारंभ किया है। अनेक व्यापारियों ने रेशम की गुणवत्ता को भी परखा है और इसके क्रय में रुचि दिखाई है। नर्मदापुरम जिले में रेशम का उत्पादन काफ़ी व्यापक स्तर पर होता है। सभी स्व सहायता समूहों के माध्यम से और किसानों से जो है ये पूरा रेशम क्रय किया जाता है, इससे किसानों की आय में बहुत वृद्धि हुई है। उत्पादित कुकून मध्य प्रदेश सिल्क फेडरेशन गुणवत्ता के आधार पर खरीद रहा है। इससे तैयार रेशम वस्त्रों को प्राकृत ब्रांड के नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट तथा पचमढ़ी मालाखेड़ी सहित प्रदेश के प्राकृत शोरूम से बेचा जा रहा है। धागा बनाने आते हैं सारी महिला, अपने घर का काम करके यहाँ धागा बनाती है। पहले से अच्छा है, पहले एक ही कमाते थे, अब दोनों कमाने लगे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम उत्पादन का सपना साकार हो रहा है और देश विदेश में इसे ख्याति मिल रही है।